तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एक वीडियो में बताया था कि मुझे आइलैंड जाना बहुत पसंद है। आइलैंड में जाके वहाँ पे गोल्डन बीचेस, ब्लू कलर के वाटर और वहाँ की जो हवा बहुत मस्त लगती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत पसंद है आइलैंड में जाना, लेकिन मैं एक आइलैंड से ज़रूर दूर रहना चाहता हूँ और वो है स्नेक आइलैंड। तो ब्राज़ील में साओ पाउलो बोल के एक जगह है, वहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी में एक आइलैंड है और वो आइलैंड का नाम है स्नेक आइलैंड। यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं जाते हैं और वैसे भी जाने से भी डरते हैं, और अगर कोई गलती से भटक के वहाँ पे चला गया ना तो वापस ज़िंदा कभी नहीं आएगा। इसका रीज़न मैं बताने जा रहा हूँ, आप चौंक जाओगे। तो वहाँ पे जाने के लिए खाली परमिशन है दो ही दो जन की, एक रिसर्चर्स जो साइंटिस्ट रिसर्चर्स वो होते हैं वो जाते हैं, और दूसरा ब्राज़ीलियन नेवी जाते हैं। अभी गलती से आप भटक के वहाँ पे चले जाओगे ना, आपकी वाट लग जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उस आइलैंड में ऑलमोस्ट 5 लाख गोल्डन लैंडसेट स्नेक बोल के एक वाइपर टाइप की प्रजाति की एक सांप है। इतनी जहरीली है ना कि वो नॉर्मल वाइपर से 5 गुना ज़्यादा है, उसका जो पॉइसन का जो पोटेंसी है ना वो 5 गुना ज़्यादा है। उसका एक वजह भी है, नेचर का एक गेम है, यानी कि जब जो प्रे होता है ना कम पड़ता है तो ऑटोमेटिकली जो प्रेडेटर होता है उसको ज़्यादा ताकतवर बनाता है, ताकि वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं ना उसको खा या हंट कर सकते हैं। तो वही हुआ है। तो ये जो गोल्डन लैंडसेट वाइपर जो है, जो जिसका जहर 5 गुना ज़्यादा खतरनाक है, वो खाली मोस्टली उसका 90% उसका जो डाइट है वो छोटे छोटे पक्षियाँ होते हैं ना उसके ऊपर वो करता है। तो वो अपना पूंछ को ऐसा हिलाता है एंड जब पक्षियाँ के सोचते हैं कि ये कोई वर्म बोल के आता है उसको पकड़ लेता है, और अगर इंसान को अगर उसने डस लिया तो सोचो कि आपका काम खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो जाएगा। एंड तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्नेक आइलैंड में अगर कोई जाएगा तो वापस तो नहीं आने वाला है। तो कोई कोई ये भी बोलते हैं ना कि वहाँ पे लाइट हाउस हुआ करता था, अभी भी है, आप देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, लाइट हाउस मिल जाएगा। तो लाइट हाउस में एक फैमिली रहती थी वहाँ पे, जो उसकी देखभाल करते थे ना उसके, तो वो एक्चुअली वहाँ पे वो पूरी फैमिली का डेथ होता है सांपों के डसने से, ऐसा कुछ हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उनका जो शाप पूरे आइलैंड में पड़ा, उसके बाद ही ये जो वाइपर है ना इतने तादाद में बढ़ गए, और वहाँ पे कोई किसी को भी जाना आना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड, स्नेक आइलैंड के जो सांप है ना उसका बहुत फ़ायदा भी है। अभी किसको फ़ायदा है? साइंटिस्ट को, क्योंकि उसका जो जहर है ना बहुत मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत सारे डिजीज़ को, क्या कैंसर, स्ट्रोक्स, यानी कि बहुत सारे नर्वस प्रॉब्लम जो इंसानों में होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इसका जहर यूज़ किया जाता है। तो ऑन द पॉजिटिव साइड, स्नेक आइलैंड के जो जो सांप हैं उनके जहर इसके लिए यूज़ किया जाता है। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोज, ऐसे ऐसे वीडियोज, इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाने वाला हूँ। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, एंड आगे भी जाके मैं और भी बहुत सारे मस्त इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। टिल देन, मिथुन देवदास साइनिंग ऑफ।